काठीकुंड उज्ज्वला दीदी संघ द्वारा अपनी 5 मांगों को लेकर काठीकुंड स्थित दामिन डाक बंगला परिसर में प्रखंड अध्यक्ष चैना देवी की अध्यक्षता में बैठक सहरैली आयोजित की गई। उज्ज्वला दीदी संघ की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पिंकी घोष ने कहा कि मौजूदा वर्तमान सरकार पोषण सखी व उज्ज्वला दीदी के साथ अत्याचार कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहा जहां पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया गया तो वहीं हमें भी सालों से मानदेय से वंचित रखा गया है। उनकी 5 प्रमुख मांगे हैं जिन्हें वो लंबे समय से मांग करती आ रही हैं, जिनमें उज्ज्वला दीदी को 10,000 रूपये का मानदेय, ड्रेस कोड निर्धारित करने, उज्ज्वला दीदी योजना बीमा लागू करने, नियुक्ति पत्र देने जैसी मांग शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अगर वर्तमान सरकार हमारी मांगों को पूरा करने हेतु गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती तो आने वाले चुनाव में राज्य भर की उज्ज्वला दीदी एकजुटता दिखाते हुए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पिछले 4 वर्षों से काम कर रही है, सरकार बदलने के 3 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अब तक मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जबकि पिछली सरकार में हमें मानदेय प्राप्त हो रहा था। कहा हमारी मांग पूरी नहीं होने पर अपनी मांगों के समर्थन में संघ द्वारा जल्द ही रांची में राज्यपाल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष प्रमिला मुर्मू ने कहा हेमंत सरकार हमारे भविष्य के बारे में सोचते हुए हमारी 5 सूत्री मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे ताकि उज्ज्वला दीदी अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण पर भी ध्यान दे सके। बैठक के बाद रैली निकाली गई जिसमें वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखते हुए ये रैली काठीकुंड चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय तक पहुंची। इस मौके पर चांदनी देवी समेत सैकड़ों उज्ज्वला दीदी मौजूद। काठीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम है पिंकी घोष, मैं उज्ज्वला दीदी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप सभी ने ये जो बैठक किया है और आप जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कारण है और क्या मांगे हैं सरकार से आप लोग सभी की? हम लोगों का 3 साल हो गया है उज्ज्वला दीदी का काम दिया हुआ, अभी तक मानदेय नहीं मिलता है तो कितना दिन ऐसे चलेंगे हम लोग, इसीलिए आज धरना का निर्णय ले लिए है। धरना में नहीं बैठेंगे तब तक ये सरकार का होश नहीं आने वाला है। और हम लोग आने वाले समय में, ये तो छोटा सा एक प्रखंड का धरना है, आने वाले समय में हम लोग रांची में भी राज्यपाल के समक्ष हम लोग धरना में बैठेंगे। बहुत मेहनत हो गया, बहुत कुछ कर लिया, देख भी लिए हेमंत सरकार को, लेकिन हेमंत सरकार अपने जीत पर अड़े हुए बैठे हैं कि हम लोग महिलाओं को कुछ सुविधा नहीं देने वाले हैं, चाहे वो उज्ज्वला दीदी हो या पसंद सखी हो, महिलाओं को एकदम बर्बाद कर दिए हैं। हम लोगों का जो रघुवरदास जी के टाइम पर जो सम्मान मिलता था आज वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत दुख की विषय है। इसलिए आज हम धरना में बैठे हैं, उज्ज्वला दीदी सब हमारे दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड के दीदी लोग आज रैली तक करके जाएंगे ब्लॉक तक। आज सब कुछ माने हम लोगों का खत्म हो चुका है, अब ये सरकार अगर हमारा नजर देंगे हम लोगों के प्रति तो ठीक है, नहीं देंगे तो इसी तरह धरना का कार्यक्रम करते रहेंगे। जब तक ये हम लोगों को नहीं देखेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही धरना का कार्यक्रम करते ही रहेंगे, पूरा दुमका जिला से लेकर पूरे प्रदेश तक और रांची तक। अगर प्रदर्शन के बाद भी सरकार आप सभी की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही होगा कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी तो इस सरकार को उखाड़ने का फेंकने का काम हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि 24 भी नजदीक आने वाला है, चुनाव भी आने वाला है, तो उसी का तैयारी भी, ये सिर्फ रैली इसलिए नहीं है, ये 24 की तैयारी भी है। जो सरकार हम लोगों का 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए राज्य होंगे उसी के साथ हम लोग हैं। क्या है 5 सूत्री मांग? हम लोगों का 5 सूत्री का मांग है कि उज्ज्वला दीदी को अभी 1-2 हजार में तो परिवार नहीं चलता है, तो 10,000 करके उज्ज्वला दीदी को मानदेय देना होगा। उज्ज्वला दीदी का एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो काम हम लोग पहले शुरू से किए थे वो काम फिर से हम लोग चाहते हैं कि उसी काम में हम लोगों का फिर से बहाली किया जाए, और एक नियुक्ति पत्र भी हम लोगों का होना चाहिए, बीमा योजना से भी जोड़ना चाहिए उज्ज्वला दीदी को। यही सब डिमांड लेकर हम लोग चल रहे हैं सरकार के पास। धन्यवाद। प्रमिला मुर्मू और उज्ज्वला दीदी जिला अध्यक्ष इन अलेरेन हेमंत सरकार द्वारा ठेक नियागी मांग इन दोहदा जे उज्ज्वला दीदी 3 साल खोई परेशान मिना को कमी दे को मैन कानो को मांदे नि धबित ते बांग है इतना प्रोसेस बाकू न्याम कदा अदो तिना दिन उनका द्वार द्वार भटकाव कते को तहेना अदो इन ठेक खोई नियागी मांग कना जे बोले हेमंत सरकार जितना भी आमेम कमी चुए ले उना कमी कते आम दले इमाम कना मैन का आम दले मांदे बाप माले कना अदो अले मांग कना जे बोले ले 5 सूत्री जा डिमांड कान तले हमारे डिमांड प्रति जागरूक हो में जागरूक करते आले मानदे 10,000 बिना कता ले और इन्हें कता ले ड्रेस कोड हो बनो तले अपना ड्रेस कोड लागू कता ले आले दो सरकारी योजना रे जितना ले कमी का होना रे आले भागीदारी बिना कता ले और उनका ताले हम सरकार ले बिना दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।